गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज प्रश्न 7 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 का सी पार्ट, बहुत ध्यान देखिए। टू एक्स एस स्क्वायर डी पार्ट देखिए, यहाँ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 4 और डी एक्स। ऐसे भी कुछ सवाल होंगे जहाँ पर सभी के घाते आपस में बराबर होंगे। क्या होगा? घाते आपस में बराबर होंगे, तो इन्हें लीजिए आंशिक भिन्न से हल, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे मान लीजिएगा आंशिक भिन्न में माना तो अवकलन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा आंशिक भिन्न में माना है तो अवकलन नहीं करेंगे। तो जहाँ जहाँ एस स्क्वायर लिखा वहाँ टी लिख दीजिए, टी प्लस 1, टी प्लस 4। अब ले लीजिए टी, टी प्लस 1 और टी प्लस 4। ध्यान से, जब सभी जगह घाते बराबर हैं तब तुरंत उसे आंशिक भिन्न से हल करेंगे। वहाँ पर एस स्क्वायर, एस स्क्वायर सभी के लिए तो टी मान लिया, लेकिन हमने आंशिक भिन्न में माना तो इसका अवकलन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा अवकलन नहीं करेंगे और इसे आंशिक भिन्न से हल करिए। नीचे दो गुणनखंड है, दो बार लिख दीजिए इसको प्लस करके, ऊपर ए कांस्टेंट, दूसरे पे बी कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे एलसीएम देखे हल करते थे वैसे कर दीजिए, टी प्लस 1, टी प्लस 4, ए टी प्लस 4 और बी टी प्लस 1 और यहाँ टी, टी प्लस 1 और टी प्लस 4, ये काट दीजिए। यहाँ टी गुणा कर दीजिए, ए प्लस बी के साथ टी प्लस 4 ए प्लस बी इंटू 1। यहाँ टी है, 1 है नहीं, तो 1 के साथ 0 लगा दीजिए। समीकरण नंबर 2, अब आप क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 1 और टी पदों के गुणांकों की तुलना करने पर तो ए प्लस बी बराबर 0 और 4a प्लस बी बराबर, नहीं 4a प्लस बी बराबर 0 और a प्लस बी बराबर 1। यहाँ b का मान निकाल लीजिए माइनस 4a और यहाँ पे रख दीजिए माइनस 4a बराबर 1 माइनस 3a बराबर 1, तो a बराबर 1/3, ऐसे यहाँ रख दीजिए। जब माइनस का 1/3 रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा 4/3। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में ए और बी का मान रखने पर, क्या रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में ए और बी का मान रखने पर, रख दीजिए टी, टी प्लस 1, टी प्लस 4 बराबर माइनस का 1/3 टी प्लस 1 और यहाँ 4/3 टी प्लस 4। अब जहाँ जहाँ टी था वो रख दीजिए एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 4 बराबर 1/3 एस स्क्वायर प्लस 1, 4/3 एस स्क्वायर प्लस 4। अब ले दीजिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखिए टी का मान पहले रख देंगे समाकलन से पहले, क्योंकि हमने समाकलन माना नहीं है। अब एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स माइनस का 1/3, यहाँ एस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 4/3 एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर,
ये फॉर्मूला होता है वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए, 4/3 टेन इनवर्स एक्स बटे दो और 1/2 प्लस सी, 1/3 टेन इनवर्स एक्स, 2 से काट दीजिए तो 2/3 टेन इनवर्स एक्स बटे दो प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए ध्यानपूर्वक सवाल, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं 1 - sin²x और 1 + sin²x, यानी a - b a + b, ये बना दिया। अब फिर इसे आंशिक भिन्न सरल करने पर आंशिक भिन्न से हल 1 - sin²x 1 + sin²x, इसमें भी आंशिक भिन्न में ही मानेंगे, माना t = sin²x तो बराबर आ जाएगा 1 - t 1 + t। अब 1/1 - t 1 + t, a/1 - t और b/1 + t। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इतना समझ में आया, पहले a 1 - sin 4 लिखा, पहले हम बनाएंगे a² - b² तो बनेगा 1² - sin² का होल स्क्वायर, फिर इसको लिख देंगे a - b और a + b में लिखा, इसके बाद आंशिक भिन्न से करेंगे तो वहाँ आंशिक भिन्न t / sin² बने, जिससे आंशिक भिन्न आसान रहे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 - t और 1 + t, यहाँ देखें एक के साथ गुणा हो जाएगा 1 + t का और बी के साथ गुणा हो जाएगा 1 - t का, ये ऐसे ही रहेगा 1 - t 1 + t, ये हमारा कट जाएगा 1, a - b के साथ t का गुणा, a + b के साथ 1 का गुणा, यहाँ 1 है t है नहीं तो 0 t लिख दीजिए। फिर भाई दोनों पक्षों में 1 और t गुणांकों पदों की तुलना करने पर तो a - b = 0 और a + b = 1, तो a = b, a = 1, 2a = 1, तो a = 1/2 और 1/2 यहाँ रख दीजिए तो आ जाएगा b। a और b का मान निकल आया, a b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, ए और बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखिए यहाँ पर रखेंगे, क्या लिखा है 1 - t 1 + t बराबर, ए का मतलब 1/2 1 - t, ए भी 1/2 1 + t, ठीक। इसके बाद देखिए अब t का मान रख दीजिए sin²x 1 - sin²x 1 + sin²x बराबर 1 - sin²x
एक बटे दो यहाँ वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आ जाएगा वन माइनस साइन फोर एक्स, ये आ जाएगा एक बटे दो कॉस स्क्वायर एक्स, ये नहीं है, इसको ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, और यहाँ लिख दिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर वन माइनस साइन फोर एक्स डी एक्स एक बटे दो क्रॉस के ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स एक बटे दो, इस क्रॉस का गुणा होगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, इस क्रॉस को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स। फिर आइए एक बटे दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और वन प्लस टेन स्क्वायर ठीक बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स, फिर एक बटे दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और वन प्लस आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, और ये ऐसे लिखते चले जाइए, सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, एक बटे दो टेन एक्स। फिर देखिए इधर वन वन माइनस साइन फोर एक्स डी एक्स एक बटे दो टेन इनवर्स एक्स टेन एक्स, सॉरी इसको देखिए टू कॉमन ले लीजिए, दो लिया तो दो दुनी हो जाएगा चार, एक बटे चार यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ बन जाएगा वन अपॉन टू और टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ ले लीजिए माना माना टी बराबर टेन एक्स, तो अवकलन करेंगे डी टी बाई डी एक्स बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी टी बराबर जाएगा सेक स्क्वायर डी, ये चीज़ हमने यहाँ वाली जगह दिख रही थी तो यहाँ रखेंगे एक बटे चार यहाँ डी टी, यहाँ वन अपान रूट टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे टी का स्क्वायर एक बटे चार, ये फार्मूला हो जाता है वन अपॉन ए और टेन इनवर्स टी अपॉन वन अपॉन रूट टू, प्लस ही लगा दीजिए रूट टू बाई फोर टेन इनवर्स टी का मतलब है टेन एक्स प्लस, और इसे छाप दीजिए एक बटे दो टेन एक्स एक बटे दो टेन एक्स एक बटे दो टेन एक्स आंसर। सवाल नंबर 16 आई बराबर ऊपर है साइन एक्स नीचे है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, पहले कॉस क्यूब एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बटे कॉस क्यूब एक्स प्लस वन डी एक्स, फिर एक साइन कॉस के लिख देंगे टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा टेन क्यूब एक्स प्लस वन और डी एक्स। अब माना, अब देखिए आंशिक भिन्न नहीं लगाया मैंने अभी है, पहले मान लिया माना टी बराबर टेन एक्स, पहले मान लेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर डी एक्स टेन एक्स, ठीक पहले मान लेंगे तो कर मानना पड़ेगा टी बराबर टेन एक्स, और पहले माना तो अवकलन करना पड़ेगा, आगे समझ में आता ठीक,
यहाँ लिखे डी टी अपॉन डी एस बराबर सेक स्क्वायर एस, तो डी टी बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एस डी एस। आ जाइए यहाँ पे टी, यहाँ पे टी क्यू प्लस वन और यहाँ पे हो जाएगा डी टी आई बराबर। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं टी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी डी टी। अब दो गुणनखंड हो गए, लिखे आंशिक भिन्न से हल। कैसे होगा? टी टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बराबर ए अपॉन टी प्लस वन बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। एलसीएम ले लीजिए, टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन समीकरण नंबर एक, तो ए के साथ गुणा हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि दो घात है तो यहाँ बी टी प्लस सी लगाए, ठीक। यहाँ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन और बी टी प्लस सी के साथ गुणा हो जाएगा टी प्लस वन का, और ये इसे छप जाएगा टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। अब ये और ये काट दीजिए, यहाँ टी बराबर ए को दिखाइए बाहरी गुणे में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, अब बी का गुणा कर देंगे टी स्क्वायर प्लस टी और सी के साथ कर देंगे तो टी प्लस वन रहेगा, ठीक। अब दो घात को पास में ए प्लस बी टी स्क्वायर, सिंगल घात को पास है माइनस ए प्लस बी प्लस सी टी और कॉन्स्टेंट को पास में ए प्लस सी इंटू वन। यहाँ टी वन नहीं है, जीरो दिखा दीजिए और जीरो टी स्क्वायर दिखा दीजिए समीकरण नंबर दो। यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर दो के दोनों पक्षों से वन कॉमा टी तथा टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर तो आएगा आपका a प्लस बी बराबर जीरो माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर वन और आएगा a प्लस सी बराबर जीरो। तो c बराबर माइनस ए निकाल लीजिए और b बराबर माइनस ए निकाल लीजिए। यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, माइनस है वन, माइनस थ्री बराबर वन, तो ए बराबर आ जाएगा माइनस का एक बटे तीन। यहाँ पर रख दीजिए माइनस एक बटे तीन, तो बी बराबर आ जाएगा एक बटे तीन। यहाँ देखिए सी बराबर माइनस एक बटे तीन, तो आ जाएगा प्लस का एक बटे तीन। ए और बी और सी का मान निकाल लिया। अब ए और बी और सी का मान समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे? एक में। इतना तो नोट कर ही लिया होगा आपने, इसको साफ करना पड़ेगा नहीं दिक्कत होगी। टी टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बराबर एक अमन माइनस एक बटे तीन टी प्लस वन, उसका बी उसी का मान एक बटे तीन, एक बटे तीन और एक बटे तीन, यहाँ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ठीक। अब यहाँ लिखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रल टी टी प्लस वन टी स्क्वायर टी प्लस वन यहाँ पे डी टी बराबर माइनस का एक बटे तीन, यहाँ टी प्लस वन डी टी प्लस
इसको अलग कर लो, एक बटे तीन टी प्लस एक बटे तीन इंटीग्रल लगा दो, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी। फिर आगे माइनस का एक बटे तीन टी प्लस वन डी टी, एक बटे तीन अलग कर लीजिए, टी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी प्लस, इसको भी साफ कर दे रहे आप। एक बटे तीन वन टी स्क्वायर माइनस टी वन प्लस डी टी, ये तो हो जाएगा, ये दिक्कत करेगा। इसको अगर हम टी मानते हैं, कुछ एम मानेंगे तो टू टी माइनस वन आएगा, तो दो का ऊपर गुणा कर दो, दो का नीचे, और एक घटा दो और एक जोड़ दो, तो इसको कैसे लिखेंगे, दो तई छ, टू टी माइनस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी, और एक बटे छः का फिर गुणा कर देंगे, एक बटे छ आएगा वन, इस वन के साथ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी प्लस एक बटे तीन और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी। ये दोनों सेम सेम है, एलसीएम ले लीजिए, एक बटे छः एक बटे तीन जोड़ेंगे तो आ जाएगा नीचे छः एलसीएम, छः करने छः तीन तीन बटे छः नहीं बटे दो आ जाएगा। अब डी टी इसको देखिए, इसमें दो का गुणा कम है तो बन जाएगा, हाँ ये दो बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, एक बटे दो का वर्ग करके जोड़ दो और एक बटे दो का वर्ग करके घटा दो, और नीचे प्लस वन प्लस एक बटे दो डी टी, ये बन जाएगा फार्मूला टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस ये एक चार तीन बटे चार बन जाएगा। अब देखिए, पहले माना u बराबर t प्लस वन, t के सापेक्ष अवकलन तो डी यू अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी टी प्लस वन, तो डी यू डी टी बराबर वन, तो डी यू बराबर डी टी। इधर आइए, माइनस एक बटे तीन वन अपॉन यू और डी यू, माइनस का एक बटे तीन लॉग यू, इसमें आइए वी बराबर टी स्क्वायर माइनस टी वन प्लस, टी के सापेक्ष फिर डी अपॉन डी टी वी बराबर डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, डी वी अपॉन डी टी बराबर टू टी माइनस वन, टू टी माइनस वन डी टी। इसमें देखिए एक बटे छः वहाँ पर डी वी अपॉन वी, तो आ जाएगा एक बटे तीन लॉग यू एक बटे छः लॉग वी, इसको मानना पड़ेगा। एम बराबर मान लिया टी माइनस हाफ, टी के सापेक्ष फिर करिए तो डी एम अपॉन डी टी बराबर वन और डी एम बराबर डी टी। एक बटे तीन लॉग यू एक बटे छः लॉग वी एक बटे दो, यहाँ डी एम यहाँ एम स्क्वायर यहाँ रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, एक बटे तीन यू का मतलब टी प्लस वन लॉग वी, वी का मतलब है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन एक बटे, यहाँ रूट थ्री बाई टू टेन इनवर्स एम रूट थ्री बाई टू प्लस सी, एक बटे तीन लॉग यहाँ पर टेन एक्स प्लस वन एक बटे छः, टी बराबर माना था हम लोगों ने टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वन, दो से दो काट दीजिए प्लस वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स
टू बाई रूट थ्री। एम का मतलब टी माइनस वन बाई टू प्लस सी, फिर माइनस एक बटे टू थ्री लॉग टेन एक्स प्लस वन प्लस एक बटे छः। लॉग लिखो, लॉग यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वन, और यहाँ वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स टू टेन एक्स माइनस वन रूट थ्री प्लस सी। ये आंसर आपका। इन सवालों को आप लोग लगाइएगा, इन बीच में कुछ सवाल छोड़े हुए हैं उन्हें भी लगाइएगा, जो ना है व्हाट्सएप करके हमसे कर ये पूछ लीजिएगा।